लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर, रिटायर्ड, वीर प्रतीक स्वाधीनता पदक, लोक कार्य। ये तस्वीरें पाकिस्तान पर बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले सबसे बड़ी चोट है। ये चोट पाकिस्तान के लिए असहनीय है, लेकिन कैसे ये हम आगे बताएंगे। पहले जिस शख्स को ये सम्मान मिल रहा है उनके बारे में जान लीजिए। ये हैं कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर, और ये हैं उस देश के हीरो जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। साफ साफ कहें तो साल 1971 के युद्ध के नायक हैं। इन्हें पद्मश्री सम्मान से भारत ने नवाजा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना साल 1971 के दौरान जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बड़े जुल्म ढा रही थी, पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई को देखते हुए भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। रिपोर्टों के मुताबिक कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर साल 1969 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे। उनकी नियुक्ति आर्टिलरी कोर में हुई थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे बर्बर अत्याचारों को देखकर कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर देश छोड़कर भारत पहुंचते हैं। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर ने तब भारतीय सेना से संपर्क स्थापित किया और साल 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब पाकिस्तानी सेना ने उनके खिलाफ मौत की सजा का वारंट जारी किया था, जो आज तक जारी है। भारत और बांग्लादेश दोनों मुल्क बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ और शेख मुजिबुर रहमान की शताब्दी के साथ ही आपसी राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इस मौके पर कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को सम्मानित किया गया, जो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को बेचैन करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।